Good morning, friends. Today we will talk about demand analysis, and we will talk about especially elasticity of demand. Elasticity of demand का मतलब ये है कि demand में कोई भी changes आते हैं, demand कम होती है या demand ज़्यादा होती है किसी भी product की, किसी भी factor की वजह से, तो वो जो changes हैं, the responsiveness of change is called elasticity of demand. उसमें हम बात करते हैं कि क्या डिफरेंट टाइप्स हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के और किस तरीके से उसको मेज़र किया जाता है अलग अलग गुड्स में, अलग अलग मार्केट में. तो उन सब की हम आज इसमें बात करते हैं. इसमें हम बात करते हैं लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी. तो इससे हमें पता लगता है, जिससे इससे पहले हमने वीडियो में लॉ ऑफ डिमांड की उसमें हमने बात की है कि प्राइस की वजह से, प्राइस में चेंजेस की वजह से जो क्वांटिटी में डिमांड में चेंज आता है, कमोडिटी की डिमांड में, क्वांटिटी में जो चेंजेस आते हैं उसको हम लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं. तो उन्हीं चीज़ों की वजह से, कई बार तो होता है कि प्राइस की वजह से चेंजेस आते हैं, कुछ जगह पे होता है कि प्राइस के अलावा भी जो अदर फैक्टर्स हैं, मे बी इनकम ऑफ द कंज्यूमर और मे बी प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स, उन सब की वजह से वो चेंजेस आते हैं, उसको हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं. प्रोफेसर मार्शल ने ये डेवलप किया कॉन्सेप्ट. Professor Marshall developed the concept of elasticity of demand in his famous book Principles of Economics. इन्होंने एक किताब लिखी Principles of Economics, उसमें इसको develop, मतलब ये concept introduce किया. Though the concept of elasticity of demand is generally associated with the name of Professor Marshall, yet this idea was evolved much earlier by economists like Carnot and J.S. Mill. एक्चुअल में इसको J.S. Mill और Carnot ने इसको इवॉल्व किया था और उसके और ज़्यादा पॉलिश किया प्रोफेसर मार्शल ने. अब हम बात करते हैं मीनिंग इलास्टिसिटी में. तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए गुड्स टू चेंज इन इट्स प्राइस, प्राइस ऑफ अदर गुड्स एंड चेंजेस इन कंज्यूमर्स इनकम. इसका मतलब ये है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स, यानी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो मेज़र करती है द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए गुड. एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी मार्केट में डिमांड की जाती है उसकी क्या रिस्पॉन्सिवनेस है, यानी उसमें क्या वेरिएशन आते हैं, उसको मेज़र करता है टू द चेंज इन इट्स प्राइस. यानी जब उस प्रोडक्ट के प्राइस में कोई भी चेंजेस होते हैं तब प्राइस ऑफ अदर गुड्स, अदर गुड्स मतलब उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, यानी रिलेटेड इन द सेंस मे बी सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, मे बी इंडिपेंडेंट गुड्स, मे बी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, अगर उनके प्राइसेस में कोई भी चेंजेस आते हैं तो क्या उस प्रोडक्ट के में की डिमांड में कोई वेरिएशन होता है, उसको मेज़र करती है. एंड चेंजेस इन कंज्यूमर्स इनकम, और जो कंज्यूमर हैं उनकी इनकम में अगर कोई चेंज होता है तो क्या उससे क्या इम्पेक्ट पड़ता है डिमांड पर, फाइनली उसको ये मेज़र करता है. This is general definition of the term elasticity of demand. We have three major types: price elasticity of demand, income elasticity of demand and cross elasticity of demand. तो हम इसमें वन बाई वन इसको डिस्कस करेंगे. यहाँ पे प्रोफेसर लिप्से ने इसको डिफाइन किया है, price elasticity of demand may be defined as the ratio of the percentage change in demand to the percentage change in price. It may be written as, in fact इन्होंने इसको लिखा हुआ भी है मैथमेटिकल टर्म में कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन अमाउंट डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. इसका मतलब यह है कि जो रेशियो है परसेंटेज चेंज का डिमांड में, उसको ये मेज़र करता है टू दी परसेंटेज चेंज इन प्राइस. यानी प्राइस में जितने परसेंट का चेंज हुआ है उसके अगेंस्ट कितनी चेंजेस आए हैं डिमांड में, उसको, वो जो रिस्पॉन्सिवनेस है, जितने परसेंटेज का चेंज आया है, कम है ज़्यादा है, उसको हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं. प्रोफेसर मार्शल ने कहा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में भी डिफाइंड एज द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन द प्राइस. अगेन वही चीज़ है. इसके बाद हम बात करते हैं डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की. डिग्री मतलब अगेन इसके भी टाइप्स हैं, क्योंकि सर्टेन लेवल पे जाके कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसमें ज़्यादा चेंजेस हैं, कुछ ऐसे हैं जिसमें कम चेंजेस होते हैं, तो उन सभी की हम इसमें बात करते हैं. प्रोफेसर मार्शल ने कहा द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेट और स्मॉल अकॉर्डिंग एज द अमाउंट डिमांडेड. वो कहते हैं कि कई बार उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बहुत ज़्यादा ग्रेट होती है, ग्रेट इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा लार्ज क्वान्टिटी में होती है, कई बार स्मॉल भी होती है, increases much or little with a fall in price.
यानी प्राइस में कमी हो जाती है तो जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो कई बार कम इफेक्ट होती है, कई बार ज़्यादा भी इफेक्ट होती है, एंड डिमिनिशेस मच और लिटिल फॉर ए गिवन राइज इन प्राइस, और कई बार डिमांड कम और ज़्यादा कम होती है। देखिए अगेन लॉ ऑफ डिमांड इसमें काम कर रहा है कि अगर प्राइस कम हुआ तो कई बार चेंजेस कम भी होते हैं डिमांड में, कई बार चेंजेस ज़्यादा भी होते हैं, और अगर प्राइस बढ़ जाता है तो डिमांड कम होती है, थोड़े रेशियो में कम होती है, और कई बार ज़्यादा रेशियो में भी कम हो जाती है। देर आर 5 degrees ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो 5 degrees इसमें है उसको मेज़र करने के लिए, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, मोर इलास्टिक डिमांड एंड लेस इलास्टिक डिमांड। तो इन पांचों जो इसके टाइप्स हैं इसको हम आगे वन बाई वन पढ़ेंगे, हमारे पास इसके डायग्राम्स भी हैं तो इसमें हम देखते भी रहेंगे। इनफैक्ट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इट रिफर्स टू दैट सिचुएशन इन विच ए स्मॉल चेंज इन प्राइस विल कॉज एन इनफाइनेटली लार्ज चेंज इन डिमांड। बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनकी जिनमें क्या होता है कि बहुत ही माइनर सा चेंज होगा प्राइस में, और तो ये जो कंडीशन ऐसी है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में जिसमें स्मॉल चेंज प्राइस में होता है और डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं, हम इसमें डायग्राम में देख भी रहे हैं कि प्राइस ऑलमोस्ट फिक्स है और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड परफेक्टली इलास्टिक है, यानी उसमें कोई इनफाइनाइट चेंजेस हैं क्वांटिटी डिमांडेड में। ऑल्दो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि सच केसेस आर ओनली हाइपोथेटिकल नॉट रियल, यानी ऐसे केसेस एक्चुअल में जनरली नहीं होते हैं। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड ये इसका जस्ट अपोजिट है, इसमें क्या होता है इट रिफर्स टू दैट सिचुएशन इन विच देयर इज एब्सोल्युटली नो चेंज इन डिमांड, यानी डिमांड में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं एज ए रिजल्ट ऑफ चेंज इन प्राइस, यानी प्राइस में कोई भी चेंज होता रहे, प्राइस कम हो जाए या प्राइस ज़्यादा हो जाए तो डिमांड में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इसमें तो लिखा है कि बिल्कुल नो चेंज है, लेकिन हम वही चीज़ मानते हैं, हालांकि इसमें लिखा हुआ है कि दिस इज ऑल्सो इमेजिनरी प्योरली इमेजिनरी केस, के बिल्कुल इमेजिनरी केस है, ऐसा नहीं होता है ये, और ये केस होता है कई बार जैसे हमारी नेसेसिटी की चीज़ें हैं कि उसका प्राइस कम हो या ज़्यादा हो, जैसे न्यूज़पेपर है तो न्यूज़पेपर का प्राइस कम हो जाए, 1 रुपया कम हो जाए, 4 रुपये से 3 रुपये हो जाए या 5 रुपये हो जाए, तो हम यूजुअली उसको चेंज नहीं करते हैं। फिर इसके बाद में आता है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में इट रिफर्स टू ए सिचुएशन वेयर डिमांड चेंजेस इन एग्जैक्ट प्रोपोर्शन टू द चेंज इन प्राइस, यानी एग्जैक्ट प्रोपोर्शन में चेंज होता है। इसमें लिखा भी आगे इफ़ द प्राइस बिकम डबल, अगर प्राइस हमारा चीज़ों का डबल हो जाता है द डिमांड फॉल्स बाई हाफ, एंड इफ प्राइस फॉल्स बाई हाफ डिमांड बिकम डबल। तो जो हमारे गुड्स हैं नॉर्मल, जिनको हम जो कंज्यूमेबल गुड्स हैं जिनको हम नॉर्मल रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करते हैं, लाइक एप्पल है, फ्रूट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें, तो इसमें हम यूजुअली ये सिचुएशन देखने को मिल जाती है कि अगर उसका प्राइस डबल हो गया है तो हम उसका कंजम्पशन हाफ कर देते हैं, कम कर देते हैं, ठीक है। तो ये प्राइस का 100% यूनिटरी कंडीशन होती है कि जितना प्राइस में इंक्रीमेंट होगा उतना ही डिमांड फॉल हो जाएगी। इसके बाद इसमें आता है, इसमें हम डायग्राम में देख भी रहे हैं कि प्राइस में जितना चेंजेस है डेल्टा पी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन पी, यानी जितना चेंजेस प्राइस में है उतना ही चेंजेस क्वांटिटी में भी है। मोर इलास्टिक डिमांड, मोर इलास्टिक डिमांड में क्या होता है इट रिफर्स टू ए सिचुएशन इन विच चेंज इन डिमांड इज मोर देन द अप्रोप्रिएट मोर देन द प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस, यानी प्राइस में कम चेंजेस हैं और डिमांड में ज़्यादा चेंजेस हैं। तो प्राइस में बहुत ही माइनर सा चेंज है, माना कि 5% का चेंज हुआ है प्राइस में और उसकी डिमांड 10% बढ़ जाती है। कई बार जो हमारी लग्जरी आइटम्स होते हैं या जैसे कार वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें हैं, या आप देखिए वॉशिंग मशीन है, जो ड्यूरेबल गुड्स होते हैं उनसे भी केसेस में ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। द डिमांड फॉर द आर्टिकल्स ऑफ लग्जरी इन जनरल इज सेट टू बी हाईली इलास्टिक, और ये जो केस है ये मिलता है लग्जरी गुड्स में जो हम अभी बात कर रहे थे, या जो कंज्यूमर ड्यूरेबल आइटम्स होते हैं उसमें। इसमें हम देखते हैं डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई क्यू इज ग्रेटर देन डेल्टा पी अपॉन पी, यानी जो क्वांटिटी में चेंजेस हैं वो ज़्यादा हैं चेंजेस इन प्राइस के कंपेरिजन में। फिर हमारे पास आता है लेस इलास्टिक डिमांड। ये सिचुएशन ऐसी होती है जिसमें हमारे पास प्राइस में बहुत ज़्यादा चेंज होते हैं लेकिन डिमांड में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इट रिफर्स टू ए सिचुएशन इन विच चेंज इन डिमांड इज लेस देन प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस, यानी डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं
सॉरी जो चेंज इन डिमांड इज लेस देन, यानी डिमांड में चेंज कम होते हैं, प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस, यानी प्राइस में जितना चेंज हुआ है उसका बहुत ज़्यादा डिमांड पे फ़र्क नहीं पड़ता है। द डिमांड फॉर आर्टिकल्स ऑफ नेसेसिटी, जो हमारी ज़रूरतमर्रा की चीज़ें हैं, रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, जैसे नमक वगैरह है, ठीक, तो इन सब चीज़ों में इसका कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। जितना हमें कंज्यूम करना है वो उतना ही करना है। ऐसा नहीं है कि प्राइस कम हुआ नमक का तो हमने ज़्यादा कंजम्पशन शुरू कर दिया, नहीं। डिमांड फॉर आर्टिकल्स ऑफ नेसेसिटी इज ऑफ दिस टाइप। तो ये हम देखते हैं, इसमें डायग्राम में भी आप देख रहे होंगे कि प्राइस में ज़्यादा चेंजेस हैं और डिमांड में, क्वांटिटी डिमांडेड में बहुत ही माइनर से चेंजेस हैं। नेसेसिटी इज़ लेसर देन वन और क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी यानी डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई क्यू इज़ लेसर देन डेल्टा पी अपॉन पी। तो इस तरीके से हम जो हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है इसको हम मेज़र करते हैं। फिर आता है इसमें मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में कुछ हमारे मेथड्स हैं इसमें, जिसमें टोटल एक्सपेंडिचर मेथड आता है, परसेंटेज मेथड है, पॉइंट मेथड है, आर्क मेथड है, रेवेन्यू मेथड है। ये सारे मेथड्स हैं जिनके बेसिस पे हम चीज़ों को इनको समझते हैं। फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम बात करते हैं नेचर ऑफ कमोडिटी की, कि जो प्रोडक्ट है उसकी नेचर कैसी है, वो नेसेसिटी वाला प्रोडक्ट है, कंफर्ट प्रोडक्ट है या लग्जरी आइटम्स हैं। इसके बाद सब्सटीट्यूट की हम बात करते हैं कि कितने सब्सटीट्यूट उसके अवेलेबल हैं मार्केट में, वैरायटी ऑफ यूजेस कितना है, उसके डिफरेंट यूजेस कितने हैं, जैसे मिल्क है, कोल है, तो इलेक्ट्रिसिटी है, तो इनके लिए मोर इलास्टिक डिमांड होती है। फिर आता है पोस्टपोनमेंट ऑफ द यूज़, कितना उसका यूज़ हम पोस्टपोन कर सकते हैं। माना कि प्राइस कम और ज़्यादा हुआ तो हमने उसको यूज़ को ही पोस्टपोन कर दिया, तो डिमांड में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस या ऐसी सिचुएशंस नहीं आती हैं, तो वो भी इफ़ेक्ट करता है। रेंज ऑफ प्राइसेस कितनी अवेलेबल है मार्केट में, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड उस पर भी डिपेंड करती है। प्रोपोर्शन ऑफ द इनकम स्पेंड ऑन द कमोडिटी, अब हमारा बजट कितना है कंज्यूमर का, ये भी डिपेंड करता है कि जैसे न्यूज़पेपर है, टूथपेस्ट है, सेविंग ब्लेड्स है, तो इन सभी की जो डिमांड होती है वो इनइलास्टिक होती है, कि उस पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। फिर इसके बाद है हैबिट्स, हमारी हैबिट्स कैसी हैं, कितना हम अपनी जो लग्जरी चीज़ें हैं उन पर खर्च करते हैं, कितना हैबिचुअल चीज़ें हैं उस पर हम खर्च करते हैं। जैसे डिमांड फॉर दीज गुड्स इज इन इलास्टिक इन विच पीपल आर हैबिचुअल लाइक सिगरेट कॉफ़ी, आपका पैसा कम हो, आपकी इनकम कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए, इनका प्राइस ज़्यादा, सिगरेट 5 रुपये की है तो भी बिकनी है, 10 रुपये की है तो भी बिकनी है, शराब है, ठीक है, तो ये लोग मानने वाले तो हैं नहीं, तो उसको तो पीना ही है, तो इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। टाइम फैक्टर है, जॉइंट डिमांड है, एक प्रोडक्ट को दूसरे के साथ में यूज़ करना, कार एंड पेट्रोल है, कैमरा फिल्म है, ब्रेड जैम है, इस तरीके से। ड्यूरेबिलिटी ऑफ गुड्स है, यानी जो हमारे कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स होते हैं उनकी बात है। बजट पोजीशन, फैशन, क्लासेस ऑफ बायर्स, तो इन सभी चीज़ों की हम बात करते हैं कि लोअर क्लास है तो किस तरीके के गुड्स, वो इन्फीरियर गुड्स या नॉर्मल गुड्स को ज़्यादा यूज़ करती है, हाई क्लास है तो इन्फीरियर गुड्स की तरफ बिल्कुल नहीं जाती है, वो सुपीरियर गुड्स, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट और कैपिटल इंटेंसिव गुड्स की बात करती है। तो इस तरीके से हम बात करते हैं, इसमें ये सारे फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इसमें चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको समझ आती हैं तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।